तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार भाई लोगों, आज की वीडियो में भाई इसी टॉपिक पे शूट करने वाला हूँ कि आपको क्यों एक एक्शन कैमरा लेने की बजाय आपको गोप्रो, सेकेंड हैंड गोप्रो लेना चाहिए। क्योंकि यार मैंने भी जो है अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, वो गोप्रो से कर रहा हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल जो है न्यू गोप्रो ले लिया, न्यू नहीं बोलेंगे बट हाँ, सेकेंड हैंड गोप्रो परचेज़ किया है, बट मेरे लिए तो न्यू ही है। तो न्यू गोप्रो ले लिया। तो आपको भाई मैं ये रिकमेंड आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि यार आपको क्यों एक गोप्रो लेना चाहिए एक एक्शन कैमरा लेने की बजाय। देखो, कोई एक्शन कैमरा क्या होते हैं कि आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी दे दें, ठीक है। कोई एक्शन कैमरा ऐसे होते हैं जो आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी दे दें, बट गोप्रो एक मात्र ऐसा कैमरा है ना भाई जो आपको ऑडियो के साथ साथ वीडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया देखे निकाल के देता है। मतलब आप लोग इस पर भाई हर चीज़ करके देख लो भाई, आपको हर चीज़ में सेटिस्फाई करेगा। बट एक्शन कैमरे में ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि एक्शन कैमरा आपको देखो मेन जो मोटो ब्लॉग का एक टारगेट होता है ना भाई, वीडियो बनाने का व्यू आपको अच्छा देखने को मिले। ऑडियंस को व्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो व्यू जितना आप अच्छा निकाल पाओगे ना भाई, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रेशियो मैंने देखा है वो 30 या 70 का या फिर 20 या 80 का देखा है। तो वो रेशियो क्या होता है कि भाई देखो, या तो 30% आप अपने बाइक का हिस्सा, बाइक का पार्ट दिखाओ, और बाकी का 70% जो है आप सामने का जो व्यू है जो राइडर देख रहा है भाई वो दिखे, और या फिर आप लोग 20% इसका दिखाओ और बाकी का 80% सामने का दिखाओ। तो ये व्यू जो है आपको गोप्रो में देखने को मिलेगा, बाकी एक्शन कैमरा में ऐसा सीन नहीं है भाई। एक्शन कैमरा आपको या तो आप इसको दिखाओगे ना, अगर 20% भी आप इसको दिखाओगे ना भाई, तो भी वो 10% क्या होता है ना कि कभी आप लोग हेलमेट ऊपर नीचे भाई गर्दन आपकी इधर उधर होती रहती है, तो भाई वो 10% ना वीडियो पे रिकॉर्ड करने के बाद एंड तक जाते जाते वो दिखेगा ही नहीं, ऐसा सीन हो जाता है भाई एक्शन कैमरा के साथ। और 20% आप लोग अगर बाइक का हिस्सा ले भी लेना आपने 20%, तो भाई मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको भाई एक्शन कैमरा में ये जो रोड चल रही ना, तो 10 या 20 मीटर तक दिखेगा सामने का। मतलब जो आप लोग देख सकते हो ना गोप्रो का व्यू, देखो ऊपर तक आ रहा है, तो आप लोग को स्ट्रेट जो मैं देख पा रहा हूँ वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो, तो वो चीज़ एक्शन कैमरा में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यही फ़र्क है भाई एक्शन कैमरा, गोप्रो इसलिए इतना महंगा है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी खासी आपको वीडियो निकाल के और ऑडियो निकाल के दोनों चीज़ निकाल के देता है। बाकी यार सबका अलग अलग बजट होता है, बट यार कुछ लोग क्या होता है ना कि भाई, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी हैं और मैंने देखा भी है कि भाई कुछ लोगों का 10,000 का बजट होता है, 10 से 15,000 रुपये का, और वो लोग एक्शन कैमरा बाय कर लेते हैं। तो उन लोगों को मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भाई एक दो महीने रुक जाओ, कहीं ढूंढ लो, आपको सेकेंड हैंड गोप्रो मिल जाएगा भाई इस बजट में। मैंने भाई गोप्रो परचेज़ किया भाई, मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिला है भाई, इससे चीप प्राइस में मुझे लगता नहीं है कि कहीं मिल पाएगा। तो यही था भाई, यही बताने वाला था मैं वीडियो में, बाकी मेरा वीडियो शूट करने का कोई मूड नहीं था। मैंने तो सोचा था यार डायरेक्ट सीधा राइड का व्यू डालू, राइड की जो है वीडियो डालूंगा, बट सोचा यार क्यों ना ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो जाएगी जो लोग भाई मोटो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भाई मैं भी ये शायद से तीसरी वीडियो चैनल पर डाल रहा हूँ जो लॉन्ग वीडियो होगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 2-3 दिन पहले डाली है वीडियो, वो बाइक का रिव्यू दिया मैंने कि क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने बाइक पर कराई है। बाकी आप में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो जाके चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको भाई फुल डिटेल मिल जाएगा मैंने कहाँ से क्या कराया और क्या क्या चीज़ें एसेसरीज मैंने जो है बाइक पर लगाई हैं, तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पर। और उससे पहले भाई एक जो और वीडियो डाली थी वो मैंने 3 मंथ पहले डाली थी, उसके बाद भाई ये सीन हो गया था मेरे साथ कि मेरे पे सेटअप नहीं था। बाकी अभी भी फुल सेटअप तो नहीं है, बस गोप्रो ही वर्सेस कैमरा ही कैमरा है। बाकी अभी इसके साथ भाई माइक अडेप्टर अलग लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तब तक भाई इसको डायरेक्ट जो है माइक नहीं लगेगा। अभी तो जो मैंने माइक की सेटिंग की है वो मुझे पता है भाई मैंने कैसा सेट करा हुआ है माइक। तो आई होप कि वीडियो अच्छी बन रही हो, वैसे तो वीडियो तो मुझे पता है कि ठीक ठाक बन रही होगी, बट वो ये कि ऑडियो में मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, क्योंकि अभी जो ऑडियो मैंने जो ऐसा जुगाड़ लगाया ना भाई, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि विंडो ब्लास्ट जो है भाई भयंकर ही आ रहा होगा इससे।
तो होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर थोड़ा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है और इन्फॉर्मेटिव रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी जो है रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, बिकॉज अब कैमरा सेटअप वगैरह लगभग पूरा हो चुका है। तो यही था भाई वीडियो में, बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता था, बिकॉज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि यार आपको GoPro लेना चाहिए कि यार एक्शन कैमरा। नए एक्शन कैमरा लेने के बजाय आप लोग सेकेंड हैंड GoPro की तरफ जाओगे ना, तो भाई आप लोग फ़ायदे में रहोगे, यही चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।